नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में पैंथर्स का आतंक है। हम सब परेशान हैं। प्रशासन के अधिकारी, वन विभाग की टीमें निरंतर पिछले 10 दिनों में पैंथर के अटैक हो रहे हैं। सुबह सूचना आती है कि पैंथर पकड़ा गया, पिंजरे में कैद हो गया। दोपहर में और खबर आती है कि पैंथर ने दूसरी जगह पे हमला कर दिया है। शाम को सूचना आती है कि पैंथर जो है फलानी जगह पे दिखाई दिया है। फिर और सूचना आती है रात में कि लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो पैंथर 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 हर जगह पर पैंथर की सूचना है, कहीं कैद होने की, कहीं हमला करने की, तो कहीं धरना प्रदर्शन करने की। इस बीच में एक और सूचना आज मिली है। कल शनिवार रात को जो है बगड़ुंदा ग्राम पंचायत के गुजरों का घुड़ा गांव में एक महिला पर पैंथर ने अटैक कर दिया था। गांव के लोगों ने रात में 2 बजे तक सड़क पर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि विभाग के DFO या विभाग के जो है उच्चाधिकारी मौके पर क्यों नहीं आए हैं। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर सायरा तहसीलदार कैलाश इनानिया और राजस्व विभाग की टीम ने उनसे समझाइश की। इस दौरान गोगुंदा पुलिस मौजूद रही। वहीं सुबह जो है लोगों ने मजाम गांव के पास में ये जो गोगुंदा झाड़ोल जाने का मार्ग है इसको बंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो है छाली ग्राम पंचायत के बागदड़ा गांव में एक पैंथर पिंजरे में कैद हुआ है। आपको बता दें कि छाली ग्राम पंचायत के उमरिया गांव में पहले 2 पैंथर पिंजरे में कैद हो चुके थे। ये तीसरा पैंथर है जो वहां पर कैद हुआ है। वहीं आपको बता दें कि सरपंच गणेश लाल खेर जो है वो पत्रकार के रूप में स्थापित हो रहे हैं। वो एक तरीके से ग्रामीण पत्रकार बन चुके हैं। आपको बता दें कि पैंथर के 3 अटैक हुए थे छाली ग्राम पंचायत क्षेत्र में और लगभग 1 सप्ताह तक वहां पर वन विभाग की टीमें रही थी। उस दौरान पे काफी न्यूज चैनल और कई पत्रकार वहां पहुंचे थे जिनका संपर्क हुआ था सरपंच गणेश लाल खेर से। और पत्रकार यहाँ आए और वापस चले गए तो फिर वो निरंतर यहाँ के वीडियो और यहाँ की सूचनाएं सरपंच को कॉल करके मांग रहे थे। और ये सूचनाएं और वीडियो भेजते भेजते सरपंच गणेश लाल खेर भी पत्रकार बन गए। तो जिस दिन उमरिया में 2 पैंथर पकड़े थे उस दिन भी इन्होंने P2C दिया था कैमरे के सामने, वो बोले थे। उस दिन क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। मैं बोल रहा हूँ सरपंच गणेश खैर, चाली का सरपंच। और पिछले 7 दिनों से हमारे सेना के जवान लगे चाली में और वन विभाग के हमारे बड़े बड़े DOPA सभी अधिकारी लगे और रेवेन्यू विभाग से हमारे SDM साहब सभी लगे। और हमारी मेहनत रंग लाई है। ये देख लो, चाली सालोटा की घाटी में पैंतर दूसरे नंबर का पैंतर पिंजरे में कैद हो चुका है। और हमारे चाली पंचायत की जनता, 6,000 जनता को राहत की सांस ली है। और मैं जितनी बधाइयाँ दूंगा उतनी भी कम है हमारे सब सेना के जवानों को, हमारे विभाग वन विभाग के जवानों अपने स्टाफ को और सारे DOPA साहब को, रेंजर साहब को, खिलाड़ी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और हमारा काम जो हम चाहते थे वो काम आज हो गया है। सभी ने हमारी मेहनत को रंग लाया है और हमारे ये आदमखोर पिंजरे में कैद हो चुका है। अब आज बागेड़ा में जब ये पैंथर पकड़ा है तब वहां पे कोई पत्रकार नहीं पहुंचे, सरपंच वहां पहुंचे और उन्होंने सभी मीडिया को ये वीडियो उपलब्ध करवाया। ये इसे P2 कैमरा कहते हैं जो गणेश लाल खेर दे रहे हैं। हाँ, नमस्कार साथियों। हाँ, मैं बोल रहा हूँ गणेश खेर, सरपंच ग्राम पंचायत चाली के गांव बागदड़ा से। इस वक्त की ताजा खबर ये है, बागदड़ा गांव में एक पैंथर अपन पिंजरे में पधार चुके हैं। ये जंगल के राजा महाराजा देख लो आपके सामने हैं, जो आज अपने को सभी को दर्शन दिया है। तो मेरा एक ही निवेदन है कि यहाँ पर ये गांव बागदड़ा बाग के नाम से ही नाम पड़ा है। तो ये इसका नाम कौन जाने क्या क्या नाम है। एक तो बाघ भी कहते हैं इनको, पैंथर भी कहते हैं इनको, अधवेशरा भी कहते हैं इनको, चीता भी कहते हैं। और दूसरा इनका अभी एक नया नाम किसी पंडित ने और दिया है, वो लेपर्ड भी कहते हैं। तो मेरा सभी राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को एक ही निवेदन है कि रात में ये दो थे, एक भाग गया है,
दूसरा यहाँ कैद हो गया है। तो यहाँ पर पिंजरा एक तत्काल तुरंत पिंजरा लगाया जाए और दूसरा हमारा लेपर्ड और कैद हो सके, क्योंकि हमारे गांव बागदड़ा के निवासियों को अब थोड़ी बहुत रात हुई है, क्योंकि पूरी रात नहीं हुई है, पूरी एक और कैद होगा तो दूसरा भी पकड़ा जाए तो हमारे लोगों में पूरी रात होगी, क्योंकि अभी दहशत का माहौल है। डीओपो साहब से, रेंजर साहब से मेरा निवेदन है कि तुरंत तत्काल पिंजरा फिर से लगाया जाए बागदड़ा गांव में। पहले हमारे बागदड़ा गांव ऐसा गांव है जो सारे तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का दीवार लगी हुई है, तो अभी कच्ची दीवार है, यहाँ पर पक्की दीवार की जाए, पक्की जो 5 फीट 6 फीट ऊपर की जाए और ऊपरे तारबंदी लगाई जाए, क्योंकि हमारा ये रात में आबादी क्षेत्र में या जीव आ जाते हैं और हमारे ये रिहायशी इलाके में जीव जंतु जानवर आ जाते हैं, इसलिए हमारी पूरी मांग है, क्योंकि हमारे साली गांव के ऊंडीथल में पहली कमला को खा गया, मौके पर मौत हो गई, फिर भेवड़िया गांव में खुमाराम को खा गए तो मौके पर ही मौत हो गई, और फिर साली उमरिया में हमीरी बाई को खा गए, उनकी मौके पर मौत हो गई। तो हमारे साली पंचायत के 5 गांव में इस पैंथर लेपर्ड ने तहलका मचा रखा है, आतंक मचा रखा है, तो अभी हमारे को थोड़ी बहुत सफलता मिली है। मेरी राजस्थान सरकार के वन मंत्री जी को और भजन लाल सरकार को मेरी तरफ से एक मांग है कि ये गांव में दोवड़ से हमारे फॉरेस्ट एरिया लगता है, कच्ची दीवार बनी हुई ये पक्की की जाए, ऊपर तारबंदी लगाई जाए, 6 फीट दीवार ऊपर की जाए, और सभी डीओपो साहब को, रेंजर साहब को, राजस्थान सरकार के वफादार कर्मचारी अधिकारियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे गांव में पिंजरा लगाया, चाली में 2 लेपर्ड पहले पकड़े गए हैं, तीसरा नंबर का ये लेपर्ड हमारे यहाँ पकड़ा गया है, अभी ये वन के जंगल के राजा, ये महाराजा जीव जंतु के महाराजा ये हमारे यहाँ पकड़ा गया है, तो इनको हम अभी इसकी रथ यात्रा शुरू होगी थोड़ी देर में, ये महाराजा उदयपुर के लिए रवाना होंगे और इनकी यात्रा उदयपुर के लिए जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय सियाराम, जय भारत, जय हिंद। मार सरवन साहब की धन्यवाद है।